मुबारक। सभी को चाहिए कि अपने अपने आसपास के वातावरण को संवारने के लिए कुछ काम करें। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इलाकों में गाजर बूटी है। थोड़ा आगे आगे दिखाइए इनको, सारा सारा बेल्ट अभी गाजर बूटी जितनी आपको नज़र आ रही है, कांग्रेस ग्रास, ये अभी छोटी है बट वेरी सून इट विल ग्रो अप। और जैसे ही ये बड़ी होगी, इसके एलर्जिक्स जो ये प्लांट है, ये काफ़ी एलर्जी होता है स्किन के लिए, तो इससे काफ़ी अस्थमेटिक की प्रॉब्लम आती है। इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। हमने लेबर का पर्सन आज लगा दिया है। ये काम वैसे कैंटोनमेंट बोर्ड और रेलवे अथॉरिटीज़ जितने हमारे यहाँ पर हैं उनको भी देखना है। उनके पास, मैं दोबारा कहता हूँ कि रेलवे बोर्ड एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, तो इनके पास अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास मैन पावर है, तो कुछ अभियान भी चलाया हुआ है इन्होंने कि स्वच्छता अभियान। पर ये अभियान रह गया तो मिशन आगाज और सभी लोग, हमारे पास भी कुछ ज़्यादा टीम नहीं है। मेरे पास भी कुछ सबसे मेंबर से कहता रहता हूँ भी हमारे को फंड्स दीजिए तब हम काम कर पाएंगे। अभी तो ये बैडमिंटन टीम हमारी है यहाँ पर जो खेलते हैं, उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये पार्क भी बनाया, आपको पार्क भी दिखाते हैं कितना अच्छा बन गया है। ये सब बैडमिंटन जो है शाम को खेलने वाले टीम है, इनकी सपोर्ट से हुआ काम। मिशन आगाज का तो नाम हो रहा है लेकिन काम ये सब मिलके करते हैं। और यहाँ ये दिखाइए जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो सुअर जीव जंतु हैं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़ा आगे कवर करके आइए, तो ये अगर यहाँ आते रहेंगे तो मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। तो उनको दूर से दिखा दीजिए, मैं उधर से करता हूँ सारे। तो ये चले गए, ठीक है। देखो पर्सन लग गया नहीं हमारा, थोड़ी जड़ से निकालना है। तो जीवन जी, ये कैसा लग रहा है आपको पार्क जो सबके सहयोग से बनाया गया, आप इसके बारे में बताइए। ये पार्क जो बैडमिंटन ग्राउंड में जितने हमारे प्लेयर्स हैं, सहयोगी हैं, जिनमें बब्बर जी भी शामिल हैं, सभी लोगों के प्रयास से इसको मेंटेन किया गया है और हरे भरे पौधे लगाए गए हैं, और जिससे ये वातावरण को साफ रखेंगे। एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम सब अच्छे होंगे, एनवायरनमेंट गंदा होगा तो हम सब इसका शिकार होंगे। इसलिए हमें सबको मिलके ये चाहिए कि एनवायरनमेंट को साफ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे वातावरण को साफ रखेंगे। तो क्या मुश्किल आ रही है आपको यहाँ पर इलाकों में, और भी बताइए आप। इलाके में मेन मुश्किल तो ये आ रही है कि यहाँ सुअर की भरमार है, सुअर सारा दिन इधर उधर घूमते हैं जो एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं। इसके अलावा गायें भैंसें जिनका कोई वाली वारस नहीं होता वो भी यहाँ छोड़ जाते हैं, जो बहुत खतरनाक रूप धारण कर चुका है, और कोई भी इसकी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा। पता नहीं उनकी नॉलेज में है या नहीं, होना तो चाहिए क्योंकि सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, सबको मालूम है कि ये क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मेरा बार बार यही निवेदन है प्रशासन को भी और साथियों को भी कि इसके ऊपर गौर करें और कोई सोल्यूशन निकालें। तो बहुत अच्छा लगा जी, सबको मिलकर अपने अपने आसपास को ऐसे बनाना चाहिए। देखिए कितने अच्छे प्लांट लगे यहाँ पर। ये नीम का पौधा लगा है, ये इसे नाम मुझे भूल जाता है हमेशा इसका।